नमस्कार दोस्तों, एहलम स्टडियन जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। आज हम एक नई भर्ती लेकर आए हैं, जो भर्ती है जीवीएम करल कॉलेज सोनीपत। यानी जो जीवीएम करल कॉलेज है सोनीपत में, वहां पर वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी किस की है? दो प्रकार की वैकेंसी है, एक तो टीचिंग है, एक नॉन टीचिंग है। तो उस भर्ती की वीडियो के अंत तक बने रहने से आपको भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। तो बात कर लेते हैं भर्ती को किस प्रकार है, क्या सिलेबस रहने वाला, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेसिंग है, किस किस पोस्ट के कितने कितने पद है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे। तो भर्ती आपको पता चल गया किसमें, जीवीएम करल कॉलेज सोनीपत में वैकेंसी आई हुई है। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने वैकेंसी जारी की है, जिसमें फीमेल ओनली फीमेल, यानी केवल इसमें फीमेल ही है वो फॉर्म भर सकती है। ऑन रेगुलर बेसिक इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स एज पर द डिटेल गिव बिलो। यानी इसमें क्या है, केवल लड़कियां, ये गर्ल कॉलेज है तो केवल इसमें लड़कियां ही आवेदन कर सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो अलग अलग इसमें पोस्ट दी हुई है। तो टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ के लिए कौन कौन से पोस्ट है तो हम आप बात कर लेते हैं। हिंदी के लिए टोटल दो पोस्ट है, इंग्लिश के लिए चार पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस के लिए एक पोस्ट, जियोग्राफी के लिए चार पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए चार पोस्ट, होम साइंस के लिए दो पोस्ट, मैथमेटिक्स के लिए दो पोस्ट, बी कॉम होनर्स एम कॉम के लिए पांच पोस्ट, फिजिक्स के लिए फिजिक्स पीजी के लिए तीन पोस्ट, बायोटेक्नोलॉजी के लिए दो पोस्ट, केमिस्ट्री यूजी के लिए दो पोस्ट, जूलॉजी के लिए एक पोस्ट, फिजिक्स यूजी के लिए एक पोस्ट, हिस्ट्री के लिए एक पोस्ट और म्यूजिक के लिए एक पोस्ट, और केमिस्ट्री पीजी के लिए चार पोस्ट और ईवीएस के लिए एक पोस्ट दी हुई है। ये तो पोस्टें थी, सभी टीचिंग लेवल की पोस्टें थी, यानी टीचिंग स्टाफ की पोस्टें थी। अब बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग स्टाफ है तो वो क्या है, क्लर्क के लिए एक पोस्ट, टाइपिस्ट जो हिंदी टाइपिस्ट है उसके लिए एक पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी एक पोस्ट, अकाउंटेंट के लिए एक पोस्ट, लैब अटेंडेंट के लिए छः पोस्ट, स्टोर कीपर के लिए एक पोस्ट और इलेक्ट्रिशियन के लिए एक पोस्ट, पियोन के लिए छः, माली के लिए दो पोस्ट, चौकीदार के लिए तीन और सफाई कर्मचारी के लिए टोटल छः पोस्ट दी हुई है इसमें। उसके बाद है लाइब्रेरी स्टाफ, यानी लाइब्रेरी स्टाफ के लिए अलग अलग पोस्टें दी हुई है, रीस्टोर के लिए एक पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट, पियोन के लिए एक पोस्ट और गेट कीपर के लिए एक पोस्ट। ये तो थी पोस्टों का अलग अलग पोस्टवार विवरण दिया हुआ है, यानी किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने पद इसमें दिए हुए हैं वो हमने सब बता दिया है। यानी इसमें सैलरी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो एजुकेशन और सैलरी क्वालिफिकेशन है वो सभी यूजीसी के द्वारा जो रूल बने हुए हैं उसी रूल के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, और क्वालिफिकेशन जो यूजीसी के अनुसार जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हो, चालान ऑफलाइन चालान 500 रुपये का है, और अगर आप डीडी से चालान भरते हो तो 550 रुपये चालान लगेगा। तो ऑफलाइन चालान भरने के लिए टाइम दिया हुआ है इसमें, आप कॉलेज में 9 से 4 बजे के बीच में जाकर भर सकते हो। और फॉर द जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए 200 रुपये ऑफलाइन चालान है, ऑफलाइन कॉलेज में भराते हो, और अगर डीडी से भरवाते हो तो आपको 250 रुपये का चालान भरना होगा। अब ये 250 रुपये का चालान है वो किसके फेवर में भरना होगा, तो प्रिंसिपल जीवीएम गर्ल कॉलेज सोनीपत इसके फेवर में आपको ये डीडी भरनी होगी चालान के। और इसके बाद इसमें क्या दिया, एप्लीकेशन मेंशन फीस शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म इफ यदि सेंट बाय द पोस्ट यू और कैन बी डाउनलोड फॉर्म द कॉलेज वेबसाइट टू बी डिपॉजिट विद द सेड
अमाउंट है। द एप्लीकेशन कम्प्लीट विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड रीच विद इन 21 डे और द पब्लिशिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट अप टू 7/6/2022 एड्रेस टू, यानी 7 जून 2022 तक आपको जो ये फॉर्म भर के ये 7 जून 2022 से पहले पहले आपको इस या कॉलेज में पहुंचाना होगा, चाहे आप डाक के माध्यम से पहुंचा सकते हो या फिर ऑफलाइन जाकर पहुंचा सकते हो। कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। जो एमडी यूनिवर्सिटी है वो काउंसिल है, ये आपको सिलेक्शन करेगी। ये तो हमने बता दिया आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, किसी के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो एड्रेस क्या रहना है, तो एड्रेस ये ऊपर दिया हुआ है, ये देखो GVM गर्ल कॉलेज मर्थल रोड सोनीपत 13/10/01 एड्रेस पर आपको ये जो आप फॉर्म फिल करके भेजना है। तो फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो फॉर्म है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है LM स्टडी एंड जॉब, वहाँ जाकर आप ज्वाइन करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर हमने फॉर्म डाल दिया है और इसकी PDF भी वहाँ पर डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का तुरंत समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।